Hello everyone, very very good morning to all of you. Welcome back in our live session. Welcome to IFS everyone. So please write down in the comment box. Just made a voice -tac -a hai. You can see my

We're going to start our session. Let me share my session with my Okay, friends. so it's crack. Why is thora crack Just one minute. Mm. Hello. Hello? 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 हेलो आई बिलीव नाउ इट्स ऑल राइट एवरी वन प्लीज लेट मी नो काम कर सकते हेलो ऑल राइट ग्रेट बहुत बहुत अच्छा अच्छा सर द वॉइस इज क्लियर एंड नाउ यू आर विजिबल शेख कुमार वेरी वाम वेलकम मंजू जी वम वेलकम गुड मॉर्निंग शिलगना सरकार गुड मॉर्निंग आकांक्षा राठी गुड मॉर्निंग ए जी एस एस एम एस शेख कुमार वेरी गुड मॉर्निंग जेनिफर टेलिस आई वॉज रिमेम्बरिंग यू येस्टरडे जेनिफर कहाँ पे चले गए थे आप सो यस वेरी गुड मॉर्निंग चलिए आज बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं uh, सिमरन शायद मतलब सिमरन सिमरन वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम आज जो सवाल हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन है माय फ्रेंड पहले हम जल्दी से जल्दी कुछ काउंटिंग के ऊपर सवाल कर लेंगे विवेक कसत जी वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड आज जो सवाले लेकर आए हैं सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम काउंटिंग यस पार्मोटेशन कम्बिनेशन जो चैप्टर है आपके सिलेबस में दिस इज ऑल अबाउट काउंटिंग बट बिलीव मी काउंटिंग का नॉर्मल भी सवाल आ जाते हैं पार्मोटेशन कम्बिनेशन पीएनसी के बारे में एक प्रॉपर जो है आपको पढ़ाई करना चाहिए आई एफ एस एप्टीट्यूड चैनल में ऑलरेडी इसके ऊपर मैं लेक्चर सीरीज बना के रखा हूँ दीज आर क्लासिकल लेक्चर वेदर इट्स पार्मोटेशन कंबिनेशन और प्रोबिलिटी एनी टाइम आपको जब भी जरूरत पड़े आप देखिएगा करीब करीब एक साल पहले मैंने एक लेक्चर सीरीज लिया था िटी का जो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है अगर उस लेक्चर को आप देख लेते हो देख घंटे का लेक्चर है आराम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और बाकी रह जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन उसके अलावा भी कॉमन काउंटिंग का कुछ सवाल आ जाते हैं ठीक है, है? जैसा देखिए एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला सवाल मैं अगर आपको पूछूंगा कि मानिए एक पर्टिकुलर जगह पे एक दो तीन that many dots are there somebody is going to ask you how many dots are there sir i had to attend college lecture yesterday i'm sorry i could not attend it but i scheduled but i studied your lecture last night that's beautiful bahut achhi baat hai theek hai that is needed theek hai vishal ji keh rahe hai sir is series ke sabhi lecture playlist mein hoga kya kyun nahi hoga अरे यार आपके लिए लेक्चर ले रहा है मेहनत करके आपका ही लेक्चर इस चैनल के ऊपर नहीं रहेगा तो कहाँ पे रहेगा ठीक है जरूर जरूर अवेलेबल होगा कितने डॉट्स है देखिए बहुत ही बेसिक सेंस है एज ए ह्यूमन बींग आपको पता है काउंट करना एक बहुत अच्छे तरीके का इवोल्यूशन था मैंने आपको कहा क्या कि एक मंकी को अगर आप कह दोगे काउंट करके दिखाइए मंकी को काउंट करना नहीं आएगा तो एक दो तीन चार पांच छह ये तो एक काउंट करना था ही उसके अलावा आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो देखिए ये जो सवाल है बचपन से आप कर सकते हो कि यहाँ पे तीन है तीन है तीन है तीन है तीन है, तीन है। तो यानी कि एक दो तीन चार करके काउंट ना करके तीन गुना पांच पंद्रह डॉट्स ऑफ काउंटिंग सो बेस्ड ऑन दैट सच आइडियाज वी हैव फ्यू क्वेश्चन जो मैं अभी के अभी शो करने वाला हूं मेरे दोस्तों आपको पता है अभी आई एफ एप्टीट्यूड चैनल में सुबह ग्यारह बजे रोज का रोज एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड पे अप फोकस सी नेट पे क्योंकि सी एस आई एन का और तीन महीने बाकी है और अभी के अभी आपको सवाल करना शुरू कर देना चाहिए नॉट ओनली इन एप्टीट्यूड मैं aptitude का सवाल करवा रहा हूँ वैसे ही आपका सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयरस का क्वेश्चन प्लीज और प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन हर संडे टेस्ट होना चाहिए जो हमारे आई के स्टूडेंट है वो हर संडे टेस्ट देते हैं तो अगर आप हर संडे टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हो प्लीज कम टू दिस इकोसिस्टम हर संडे आई के टेस्ट होते हैं मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ता है देखता है सवाल क्या है फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आज थोड़ा स्टूडियो चेंज हुआ है सो आई बिलीव या यू कैन स्टिल सी इट राइट या एवरी थिंग स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सारे दोस्तों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन

प्रीति शर्मा इज सी ट्राई टू तो आंसर दिस क्वेश्चन इस सवाल का जवाब बताइएगा इस सवाल का जवाब बताइएगा मोली मुखर्जी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम वेलकम आपके दोस्त कहाँ पे है सैटरडे क्या छुट्टी मना रहा है भाई कोई छुट्टी नहीं है जब आप जब तैयारी में हो कोई छुट्टी नहीं होता ठीक है ये ध्यान दे दीजिए आज शिव पूजा की दिन है बहुत ही अच्छी दिन है राइट बहुत ही अच्छी दिन है तो ऐसे कौन कौन हो जो आज छुट्टी लेने वाले हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बताया गया इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ टू फिफ्टी मेंंड्रेड सेवेंटी फोर्टी एट फिफ्टी नाइन सेवन सीट रेस्पेक्टिवली वाइल टेन सीट वे ओन बाय द इंडिपेंडेंट इफ पार्टीज एबीसी डिसाइड नॉट टू सपोर्ट ईच अदर वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वयर टू ज्वाइन हैंड टू फॉर्म अ मेजोरिटी गवर्नमेंट सो माय फ्रेंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो द मोस्ट थ्री पावरफुल पार्टीज दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इच अदर अदरवाइज द वर्ल्ड विल बी अ डिफरेंट प्लेस राइट सो माय फ्रेंड देख सकते हो ए बी और सी ये तीनों तीनों को सपोर्ट नहीं करेगा मिनिमम कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितने पॉलिटिकल पार्टीज जरूरत होगा मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए प्रीति शर्मा कह रही है सर यू फॉरगेट मी क्या आपकी प्रीवियस फिजिक्स स्टूडेंट नहीं प्रीति हाउ कैन आई फॉरगेट यू यू आर फ्रॉम यूपी राइट प्रीति आपने तो कहा था कि आई ऑफलाइन में आके आप ज्वाइन करोगे तो आप आए नहीं तो हम याद कैसे रखेंगे प्रीति यू सेड मी ना मुझे याद है प्रीति यू आर फ्रॉम फिजिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस यू आर फ्रॉम फिजिक्स आप लाइव बैचेस में पढ़ चुके हो लेकिन आपने कहा था सर मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आई ऑफलाइन में आके पुणे में ज्वाइन करूंगा तो आपको आना भी चाहिए सर मेरा कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है अच्छा एग्जाम चलने के बाद जरूर आइएगा पुणे अभी जल्दी बताइए मुझे यहाँ पे व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस वॉट शुड बी द आंसर ऑफ दिस ब्यूटिफुल सिमरन जी ने सी कहा आकांक्षा ने मौली मुखर्जी शेख उमर ने तीन कहा बहुत अच्छी बात है देखिए देख लेते हैं तो सिंपल बात है मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख लू ए बी सी डी ई ए बी डी और ई यानी पांच पार्टीज है अगर मैं कहूं यहाँ पे उनको वोट्स कितने मिल रहा है, देखिए सौ हंड्रेड सेवेंटी फोर्टी एट फिफ्टीन और सेवन अब देखिए मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने का अर्थ क्या है बहुत सिंपल बात है अगर एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री बॉडीज में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में टू फिफ्टी मेंबर्स है और मेजोरिटी फॉर्म करना है दैट मीन फिफ्टी से एक ज्यादा मेरे दोस्त टू फिफ्टी है उनका हाफ अगर करोगे तो पचास परसेंट निकाल के आ जाएगा उनका हाफ मतलब एक सौ पच्चीस को मिलेगा फिर भी मेजोरिटी फॉर्म नहीं करेगा क्यों मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए उससे एक ज्यादा चाहिए बस उससे एक ज्यादा चाहिए आप कह सकते हो जी आप कह सकते हो कि सर 50 परसेंट से ज्यादा तो 50.5 परसेंट होता है लेकिन मेरे दोस्त 125.25 पीपल तो नहीं हो सकता ना आदमी को तो पूरा का पूरा ही लेना पड़ेगा कोई आदमी है जिसको आप हाफ कंसीडर करोगे या वन थर्ड कंसीडर करोगे ऐसा तो नहीं होता ना बचपन में जब खेलते थे याद होगा आपको छोटे छोटे बच्चे को हम लोग हाफ कंसीडर कर लेते थे फुल नहीं कंसीडर करते थे लेकिन बड़े होने के बाद वो सब नहीं चलेगा मेरे दोस्त तो आप देख सकते हो वन ट्वेंटी प्लस वन दैट इज वन वोट्स मिलना चाहिए मेजोरिटी के साथ विन करने के लिए अब देखिए मजे की बात क्या है ऑब्वियसली ए और बी ये दोनों पार्टी अगर एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो कोई दुविधा नहीं है कि ये दोनों मिलकर मेजॉरिटी फॉर्म करेगा या फिर मान लीजिए ए और सी या फिर मान लीजिए बी और सी लेकिन यहाँ पे बताया गया इन लोगों ने झगड़ा कर लिया इन लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है तो अगर तीन आप ये करना चाहते हो 126 करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली डी और ई e का सहायता जरूरत है कोई भी अकेला आदमी यहां बी एबीसी मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर सकता ओनली इफ ए के साथ डी और ई e सहायता करेगा तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा आप देख सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा जल्दी से जल्दी बताइए ए के साथ अगर डी और ई e करेगा हंड्रेड और हंड्रेड फिफ्टीन उसके बाद सेवन वन ट्वेंटी टू फिर भी नहीं होने वाले है आप अगर बी और सी लेते हो मेरे दोस्त बी और सी क्या हो जाएगा सेवन प्लस फोर इलेवन 11, यानी एक दस और एक सौ अठारह तो देखिए बी और सी के साथ अगर डी को आप मिला लेते हो तो 126 क्रॉस कर जाते हैं तो 126 क्रॉस कर जाते हैं तो मिनिमम मिनिमम आपको तीन पार्टीज का जरूरत होगा टू फॉर्म अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्लियर है बहुत ही इजी है आसान है और सी एस आई नेट बार बार ये सवाल पूछ रहे है। आज के डेट पे सी एस आई नेट का सबसे पसंदीदा सवाल है कि बेसिक काउंटिंग से सवाल कर लेना जहां पे कुछ भी अलग सा फॉर्मूला अलग सा नॉलेज का जरूरत नहीं है ऑल यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड दैट्स इट माय फ्रेंड आई होप आई होप यू गॉट इट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्री मिनिमम तीन पार्टीज का जरूरत है जिनको जिनके माध्यम से आप मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो चलिए ठीक है ना सर और एक बार रिपीट कर दीजिएगा ऐशा रॉय चौधरी जी ईशा जी लोकसभा टीवी देखते हो आप बोर्डिंग है ना लोकसभा टीवी देखते हो आप पता है आपको देखिए 250 फिफ्टी मेंबर्स है पार्लियामेंट में अब लेजिस्लेटिव असेंबली में 250 फिफ्टी मेंबर्स है आपको मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट फॉर्म करना है यानी मिनिमम जो सीट आपको जरूरत होगा वो होगा 126 क्यों सर 250 का हाफ जो है वो 125 है और 125 का प्लस वन करोगे तो 126 आ जाएगा मतलब मिनिमम 126 मेंबर चाहिए ही चाहिए आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अब पार्टी ए के पास 100 सीट है बी के पास 70 सी के पास 40 इन तीनों में झगड़ा है एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो साथ देने लायक है क्या गरीब हमेशा साथ देता है देखो डी के पास पंद्रह सीट है और ई e के साथ सात सीट है ठीक है तो वो साथ ही देगा हमेशा अब देखो पंद्रह और सात मिलाकर तो बाईस होता है बहुत ही गरीब नंबर है इसके साथ कोई रीच को जुड़ना पड़ेगा तब कोई ढंग का कुछ बनेगा हाँ या ना तो देख सकते हो यहाँ पे पंद्रह और सात क्या होता है पंद्रह सात दोनों का जरूरत भी नहीं होगा अब देखिए पे ए डी और और e ई लेते हो 100 और 15 क्या होता है हंड्रेड फिफ्टीन प्लस सेवन करोगे वन ट्वेंटी टू आते हैं जो एक सौ छब्बीस से कम है तो मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा तो सिंपल बात है सर बी को ले लो सेवेंटी और फोर्टी एट इन दोनों को मिलाकर वन हंड्रेड एटीन आ गया उसके साथ अगर सर डी भाई साहब को ले लोगे पंद्रह वोट अगर ये जोर दोगा तो देखो गरीब एक्चुअली कोई नहीं है कितना महत्व है अगर पंद्रह वोट डी नहीं देते हैं तो ये फुलफिल नहीं होगा तो डी का पंद्रह वोट आएगा तब भी जाके मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकते हैं जेनिफर टेलीज सर बट बी एंड सी विल नॉट सपोर्ट इच अदर देन हाउ टू काउंट देम टूगेदर ओके 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राइट 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 जेनिफर वेरी गुड ऑब्जर्वेशन वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ए ए ए एंड बी एंड सी डिसाइड नॉट टू सपोर्ट ईच अदर तो बी और सी को आप फॉर्म नहीं करवा सकते हो तो हमको देखना पड़ेगा हंड्रेड प्लस फिफ्टीन तो मुझे लगता है आंसर फोर हो जाएगा पे देखिए हंड्रेड मैक्सिमम ले सकते हो सेवेंटी फिफ्टीन करने का कोई जरूरत ही नहीं है मतलब ही नहीं है हंड्रेड मैक्सिमम ले सकते हो फिफ्टीन ले सकते हो सात ले सकते हो नंबर तो सही लिखा ना मैंने 70, फोर्टी एट परफेक्ट जस्ट वन मिनट वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम मुझे लेट हो गया जी मिस्टी नई नी एब्सोल्यूटली फाइन दिस इज द फास्ट क्वेश्चन आप सही वक्त पे आए हो सब सही वक्त पे आए हो कोई दिक्कतें नहीं है हो हो हो, तो आपने बताया नहीं टेन सीट्स तो यहाँ पे और एक है ना इंडेप है ना जिसको दस सीट मिला है जिसको दस सीट मिला है आप देखिए आप क्लियर हो जाएगा ठीक है आप क्लियर हो जाएगा आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट है ना जहाँ पे दस सीट मिला है यस और नो आया ना अब क्लियर है अब तो बिल्कुल साफ है तीन हो जाएगा आप हंड्रेड को ले लीजिए आप फिफ्टीन को ले लीजिए आप टेन को ले लीजिए हंड्रेड फिफ्टीन और टेन नहीं हो रहा है यहां पे अगर मैं करू हंड्रेड फिफ्टीन टेन और सात को लेना पड़ेगा यानी कि मिनिमम चार पार्टीज का जरूरत आ जाएगा मेरे को वाइल टेन सीट्स वायर ओन बाय द इंडिपेंडेंस पार्टी से डिसाइड नॉट टू मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वायर्ड टू जॉइन हैंड्स टू फॉर्म ए मेजोरिटी गवर्नमेंट

ठीक है तो थैंक यू सर विल इंडिपेंडेंट भी कोटेड एज वन पार्टी पार्टी नॉट नॉट इंडिपेंडेंट इज काउंटेड एज वन सो दिस इज द क्वेश्चन ना दिस इज द क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई है अगर मानो आप इंडिपेंडेंट को पार्टी कंसिडर नहीं करोगे तो मुश्किल क्या हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे अगर हंड्रेड परसेंट हंड्रेड आप लेते हो हंड्रेड के साथ आप फोर्ट फिफ्टीन को जोड़ लो उसके साथ सात को जोड़ लो आपको क्या आता है मेजोरिटी आता है मेजोरिटी नहीं आते हैं अगर आप किसी भी तीन को ले लेते हो तो क्या आप फॉर्म कर सकते हो आप मुझे बताइए जेनिफर इज पॉसिबल टू फॉर्म द मेजोरिटी यूजिंग एनी ऑफ द थ्री राइट और चार पार्टीज तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि एक दो तीन और चार और पांच इनमें से चार पार्टीज को अगर लेगो विदाउट इंडिपेंडेंट सो ऑब्वियसलीस्ट टू ऑफ करना पड़ेगा अदरवाइज दिस क्वेश्चन ओनली राइट अदरवाइज दिस क्वेश्चन ओनली तो ये बात देख लीजिए बहुत ही अच्छा सवाल है सवाल में बस भाषा के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया गया है आपके साथ मेरे साथ भी तो यहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंट्स के पास दस सीट्स है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे पांच है अगर आप इंडिपेंडेंट को कंसीडर नहीं करोगे इन पांच पार्टीज में किसी भी तीन पार्टी को मिलाकर आप मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा 126 सीट से बनना पड़ेगा अगर आप देखते हो कि सर मेजॉरिटी तो ऐसे भी हो सकता है सबसे ज्यादा जो है तो फिर तो आप कह सकते हो हंड्रेड के पास सबसे ज्यादा सीट है वही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा ऐसे नहीं होता है मेजोरिटी को आपको देखना पड़ेगा वन ट्वेंटी सिक्स के माध्यम से एनी वे माई फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या होता है या फिर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह हो सकता है कि अगर आप टू फिफ्टी सीट में से दस सीट को निकाल दोगे लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है दस सीट को अगर निकाल दोगे तो दो सौ चालीस सीट हो जाएगा 240 का अगर हाफ करोगे तो 120 होगा प्लस वन यानी 121 जो है मेंबर्स के साथ एक किया जाएगा बट को आप नहीं नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है so चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है जून 2022 का सवाल है जेनिफर इस सवाल को लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा अ जर्सी

क्या होगा चार जर्सी है और उन जर्सीज में प्लेयर्स का नेम भी रिटर्न है उन जर्सीज में प्लेयर्स का नेम भी रिटर्न है सिमरन जी ने जल्दी से जल्दी कह दिया तीन इतना जल्दी लेट सी वी नीड टू थिंक अबाउट इट अ बॉक्स कंटेन्स फोर जर्सीज विद द प्लेयर्स नेम प्रिंटेड द फोर प्लेयर्स पिक अप अ जर्सी ईच एट रैंडम नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैनॉट बी बताइए बहुत बढ़िया सवाल है इस सवाल को करने की कोशिश करिए मेरे दोस्त चलिए बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थ्री थ्री सर ऑप्शन थ्री लग रहा है लेकिन किसी ने नहीं पूछा सर ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी तो देखना चाहिए आपको क्या सवाल पढ़ के सवाल समझ में आया है प्लीज मुझे बताइए क्लियरली क्या आप गेस कर रहे हो या सवाल भी समझ में आया है सवाल समझ में आया है या गेस कर रहे हो जी सवाल समझ में आया है या फिर जल्दबाजी में गेस करने सर मुझे नहीं आया है सर मिष्टी कह रही है तो पहले बताइए ना देखो कोई बता रहा है नो सर एक तरफ आप बता रहे हो सवाल समझ में नहीं आया और दूसरे तरफ बता रहे हो सर जवाब आ गया ये कैसे हो सकता है मतलब स्टिल जो बुरा आदत के बारे में मैंने कहा कि ये बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा गेस करने का हम लॉजिकली सोचेंगे ठीक है तो आपको गेस करने का बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा प्लीज ये मत करिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सवाल समझ में अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए यहाँ पे बताया गया आप बॉक्स कंटेंट स्पोर्ट जो द प्लेयर्स नेम प्रिंटेड तो चारो जर्सी है मानिए यहाँ पे जर्सी वन जर्सी टू है जर्सी थ्री है और जर्सी फोर है ठीक है ना और प्लेयर्स का नाम वन टू तो, थ्री फोर तो है सवाल में क्या पूछा गया है द फोर प्लेयर्स सॉरी द फोर प्लेयर्स अप अ जर्सी इच एट रैंडम यहां तक खत्म कर दो कि हर प्लेयर्स ने एक रैंडमली जर्सी उठा लिया नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैनॉट बी ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन फॉर्मेशन में मुझे लगता है यहां पे क्वेश्चन में टाइपो एरर कुछ तो है क्वेश्चन में सुधर देता हूं नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी ये एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा गया है पूछा गया है कि कितने पॉसिबिलिटीज है कि खुद का जर्सी खुद नहीं पहनेगा समझ में आ रहा है फिर से बता रहा हूँ हाउ मेनी वेज आर देयर हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर चॉइसेस आर देयर दैट

कि खुद का नाम का जर्सी नहीं पहन सकता है कोई भी प्लेयर इतना कैसे कितने पॉसिबिलिटीज है मतलब कितने तरीके से आप प्लेयर्स को अरेंज कर सकते हो एक दो तीन और चार नंबर बॉक्स पे ताकि वन के पास वन नंबर जर्सी ना जाए दो के पास दो नंबर जर्सी ना जाए तीन के पास तीन नंबर जर्सी ना जाए और चार के पास चार नंबर जर्सी ना जाए आप जल्दी बताइए आप बिल्कुल क्लियर है साफ है अब दिमाग लगाइए ठीक है चारों जर्सी है उनका नाम है वन टू थ्री फोर प्लेयर्स का भी नाम है वन टू थ्री फोर कितने चांसेस है कि वन के पास वन नहीं जाएगा दो के पास दो नहीं जाएगा तीन के पास तीन नहीं जाएगा और चार के पास चार नहीं जाएगा जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइए बहुत अच्छा सिमरन जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइए बहुत ही इजी सवाल है थोड़ा दिमाग लगाइए फिर से काउंटिंग का सवाल है जून 2022 में आए हैं जून 2022 यानी के जो एग्जाम सितंबर 2022 में हुआ है जस्ट रिसेंट एग्जाम में आए है ये सवाल इसी साल सी ने आए है एजीएस जी कह रही है फोर जेनिफर कह रही है आई थिंक इट विल बी थ्री सिंस इफ थ्री पीपल गेट रॉन्ग जर्सी देन फोर्थ विल गेट द रॉन्ग वन वेरी गुड वेरी वेरी गुड जेनिफर आपको काउंट करके देखना पड़ेगा आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इसको देखिए इस सवाल को लिख कर प्रॉपरली देखिए ठीक है, है आपका सोच बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा सोच लेते हो आप ठीक है थोड़ा काउंट करके थोड़ा डायग्रामेटिक वे पे सोचिए अब देखिए वन टू थ्री एंड फोर है सिंपल बात आप देख सकते हो वन वन को छोड़कर बाकी तीन जगह पे जा सकते हैं ठीक है, है ना वन यहां पर जा सकते हैं एलोकेशन देखिए वन वन को छोड़कर बाकी तीन जगहों पे जा सकते हैं तो वन वन पे जा सकते हैं वन यहां पर भी जा सकते हैं या फिर वन वहां पर भी जा सकते हैं तो अगर मैं लिखू यहां पे इज इट विजिबल या मैं काम करता हूं Hmm. एक दो तीन और चार यू हैव फोर जर्सीज नाउ वन कैन बी हेयर वन कैन बी हेयर और वन कैन बी हीयर वन अगर वहां पे जाएगा दो कहाँ पे जा सकता है किसी भी जगह पे जा सकता है बट दो दो में नहीं जाएगा दो दो में नहीं जाएगा दो यहाँ पे आ सकते हैं दो दो में नहीं जाएगा दो यहाँ पे आ सकते हैं दो दो में नहीं जाएगा दो यहाँ पे आ सकते हैं तीन कहाँ पे जा सकता है तीन तीन में नहीं जाएगा किसी भी जगह पे जा सकता है वन पे जा सकता है तीन टू में जा सकता है तीन चार में जा सकता है क्लियर है चार कहाँ पे जा सकता है चार चार के अलावा और तीन जगह पे जा सकता है तीन में जा सकता है दो में जा सकता है और एक में जा सकता है स्टोरी खत्म सो आपके पास बस और बस तीन वेस है जिनके माध्यम से आप देख सकते हो ऐसा एलोकेशन पॉसिबल हो जाएगा कि कोई भी प्लेयर खुद के जर्सी नहीं पहन रही है और उसके बावजूद आपको एक अरेंजमेंट्स मिल रहा है ऐसा अरेंजमेंट्स तीन पॉसिबल है और सोचना कितना इजी आसान तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया इसके पीछे ना तो कोई फॉर्मूला रहेगा ना कुछ भी आपको बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है और ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा ऐसे 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 सवाल सवाल को बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा है 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 आएगा आएगा ही आएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देख सकते हो हो हर साल रिपीट रहा है। सर मैंने किया प्रीति शर्मा बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी अच्छी बात बात है। सिंपल है, समझ में आ गया जी जेनिफर right? ही right? बढ़िया जून 2022 यानी के सितंबर 2022 का सवाल है इस साल सी एस आई नेट पे आया है बताइए जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा बताया गया है टू फेयर डाइज अ थ्रोन ठीक है बहुत ही सिंपल बात है द नंबर ऑफ केसेस वेयर द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज नॉट लेस देन दैट ऑन द लोअर फेस ऑफ द सेकेंड डाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों ट्राई करिए सिमरन ने कहा कि सर मैंने लॉजिकल ही सोचा था बहुत अच्छी बात है अब इस सवाल के बारे में सोचिए इट इज मैथमेटिकल दो डाईस है एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है क्या बताया था नंबर ऑफ केसेस कितना है जहां पे देखिए ना तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ना कुछ पूछा गया है काउंट करना है क्या काउंट करना है एक डाइस के ऊपर वाला फेस में जो वैल्यू रहेगा वो नॉट लेस यानी कि सेकेंड डाई के नीचे अगर वन रहते हैं तो फास्ट डाई के ऊपर क्या क्या हो सकता है नॉट लेस देन वन यानी वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है सिक्स हो सकता है अगर आप मानो सेकेंड डाई के नीचे टू है तो फास्ट डाई के ऊपर क्या हो सकता है तीन चार पाँच छह सिर्फ नहीं दो भी आएगा नॉट लेस देन टू के लिस्ट में टू आते हैं थ्री आते हैं फोर आते हैं फाइव आते हैं एंड सिक्स आते हैं आप सोचिए प्लीज और प्लीज थिंक बाय योर नाउ Think about it logically, think about it diagram diagrammatically, do not think about it by guessing. Guess bilkul mat kariyega. What should be the answer of this question? What should be the answer of this question? ंग फोर दैट इज ट्वेंटी वन वेरी वेरी गुड सर आई गॉट ट्वेंटी वन बट लॉन्ग मेथड ओके गॉट ट्वेंटी वन बट लॉन्ग मेथड एजी ट्वेंटी चार क्या बात है मुझे लगता है वन वीक ऑफ क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत हमारा ग्रे मैटर ज्यादा हो चुका है वैसे वो तो होता नहीं है बट मुझे लग रहा है हमारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है ऐसे ही कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस करते रहिए क्योंकि देखिए एप्टीट्यूड में क्या है हर दिन जो सवाल आते हैं सोचने लायक सवाल है और ये ब्रेन का एक्सरसाइज जैसा है ब्रेन जिम है अगर आप रेगुलर सोचते रहते हो तो ऑब्वियसली आपका न्यूरल नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होता है आप जल्दी सोच पाते हो प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाते हैं सो वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब किया आप मुझे काउंट करने दीजिए बेहतरीन तरीके से यहां पे मैं देख सकता हूं एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ स्टूडेंट ने जवाब दे दिया बहुत बढ़िया बात है बहुत ही जल्दी आप लोगों ने सोचा ब्यूटिफुल तो देखिए दो डाइस है तो दिस इज वन ऑफ द डाइस ऑब्वियसली पिक्चर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है बट मुझे इच्छा हो रहा है कि क्यों ना हम एक डाइस का पिक्चर ड्रॉ करें और ये दूसरा डाइस ठीक है अब ये जो दोनों डाइस है एक डाइस के ऊपर जो भी आने वाले हैं इसके नीचे नॉट लेस देन दैट देखो नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज नॉट लेस देन दैट ऑन द लोअर फेस ऑफ द सेकंड अब हम देखेंगे विचार करेंगे लोअर फेस ऑफ सेकंड डाई के नीचे मानिए वन है अब नॉट लेस देन वन का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और छह तब आ सकते हैं क्लियर है ना ये पहला केस है मेरे दोस्त सेकंड केस क्या है कि अगर मानिए लोअर के नीचे टू आए तो यहां पे कौन कौन आ सकता है दो तीन चार पांच और तो समझ सकते हो आप तीन के लिए चार के लिए छह के लिए क्या होगा ए बी सी डी ई एफ छह के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त छ के लिए सिर्फ छह ही रहेगा तो सिंपल बात है आपको क्या करना है एक के लिए आपके पास सिक्स केसेस है 2k you have 5 cases for 3 you have 4 cases for 5 4 you have 3 cases for 5 you have 2 cases for 6 you have 1 cases so basically how many cases do you have 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 if you are going to add them up as you know the sum of n natural numbers should be equal n into n plus 1 by 2 so you can get 6 into 6 plus 1 by 2 which will be eventually you can get 3 multiplied by 7 and that is equal 21, my friend. There should not be any confusion about it. And upko agar vak laggya hai, vak lagni laag iha peku shithanahi. Apko to addition 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 if it's getting time. So just use this formula. Sum of n natural number should be equal to n into multiplied by n plus 1 divided by 2 so answer of this question should be 21. congratulations to all of you, those who got the correct answer. very, very good. very good. fantastic. so my friend, they are from recent years. 2022, 2021, 2020. every year, it's a repetition of things. and this kind of question, you can see literally a little up amount. जब हम क्वेश्चन करते हैं सिलेबस को देखकर सिलेबस एस सच सी एस आर कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं बट इफ यू हैव द चैप्टर नेम लाइक स्पीड डिस्टेंस टाइम लाइक यू हैव मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स सेम थिंग लाइक यू हैव लॉजिकल डिडक्शन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बेसिक साइंस डेटा इंटरप्रिटेशन यू कैन नॉट फाइंड दोज थिंग्स इन ए पर्टिकुलर चैप्टर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग सच थिंकिंग सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सच क्वेश्चन फ्रॉम योर पी वाई क्यू ऑल दिस थ्री क्वेश्चन डूड एनी ऑफ द फॉर्मूला डूड एनी ऑफ द नॉलेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन काउंटिंग क्वेश्चन भी इसको प्यार देना पड़ेगा नहीं तो ये आपको मार्क्स नहीं देगा so, तो बात, सम, बात समझ लीजिए तो हमेशा आपको प्यूआई क्यू बेस्ड पढ़ाई करना है यू शुड नॉट गो अबाउट चैप्टर मैं बार बार कहता हूं कोई बच्चा अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम को देखकर वही ट्रेन का सवाल लगा रहा है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा है और सोच रहा है एप्टीट्यूड इज सेम अबाउट क्लास सेवन नो जी एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट क्लास सेवन सी एस आई एन ऐसा सवाल करते हैं जो बहुत अच्छे मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट को भी करने में दिक्कत आ जाते हैं ठीक है तो आपको जो एग्जाम देने जा रहे हो उसी का सवाल को करना है उसी लेवल का प्रिपरेशन करना है आप बैठ बैठ के वही ट्रेन का प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं आते है समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के देख लेते हैं और क्या क्या सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जैसा आपको बताया सारे के सारे सवाल जो है वो एग्जाम का है सर वेर वी कैन गेट इंग्लिश लेक्चर्स मधु जी इंग्लिश लेक्चर्स अबाउट हुई एग्जाम सी एस आई नेट इंग्लिश से सवाल नहीं पूछते हैं ये जो लेक्चर पे आप आए हो ये सी एस आई नेट का लेक्चर है ओके okay? इंग्लिश का लेक्चर गेट में होता है जिसका बहुत सारे लेक्चर्स एप्टीट्यूड चैनल पे ही अवेलेबल है अब यहाँ पे देख लीजिए माई फ्रेंड सी टी पी जी के बारे में ऑलरेडी मैं आप लास्ट फाइव डेज में आपको बता चुका हूँ इज द डे आई बिलीव आपने ये इंफॉर्मेशन पास कर दिया आपके दोस्तों के पास सीयूटी यू पी जी पार्ट ए का भी क्लास शुरू होने वाले हैं मंडे से यानी ट्वेंटी ऑलरेडी आई हैव हैल्टीपल टाइम की सी यू टी पी जी कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है आने वाले दिनों में बच्चे के स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और अभी तक कंपटीशन जो है बहुत ईजी टू क्रैक अ गुड यूनिवर्सिटी बिकॉज द परसेंटाइल इज वेरी लेस कैन गेट अ चांस एट सिक्सटी परसेंटाइज आपको पता है कैट जो ग्रेजुएशन के बाद होता है जैसे सीयूटी पीजी भी ग्रेजुएशन के बाद होते हैं कैट एग्जाम में अगर आपको 98 percentile, 97 percentile, 99 percentile नहीं मिलते हैं तो कोई भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलते है हालांकि सीयूटी पीजी में सिक्सटी परसेंटाइल मिलने के बाद भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर सकते हो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस और बिलीव मी दो साल के अंदर अंदर ये डिफरेंस चेंज होने वाले है तब अगर आपको एट्टी फाइव परसेंट नाइनटी परसेंट के करीब नहीं रहेगा आपके पास तो आप अच्छा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ क्योंकि अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ सच एग्जामिनेशन तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ चांस एंड गिव दिस एग्जाम टू कंप्लीट योर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ ग्रेट यूनिवर्सिटी एनी so वे anyway, आपको बता चुका हूं मैं ट्वेंटी में आई में सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं सी के जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए इस बैचेस को चलिए आगे बढ़ लेते हैं आगे बढ़ के देखता है सवाल क्या है बहुत ही अच्छा सवाल है नवंबर 2020 में आए हैं और दिस इज अबाउट अ बुक साइनिंग सेशन ऑथर्स के बारे में सवाल एट ए बुक साइनिंग सेशन देयर आर फाइव ऑथर्स हु राइट ओनली सिंगल ऑथर बुक्स एंड अनदर फाइव हु राइट ओनली इन पेयर्स आप देख सकते हो बुक साइनिंग सेशन है दस ऑथर्स आए हैं पांच ऑथर्स जो है वो खुद सिंगल ऑथर्ड बुक्स लिख रहे हैं जस्ट वन ऑथर्ड बुक्स आपको पता है खुद का एक बुक है उनका एंड अनदर फाइव राइटर्स राइट विद ईच अदर कोलाबोरेट करके लिख रहे हैं दैट द मीन ऑथर्स ऑफ दिस बुक्स देन एवरी ऑथर साइंस बुक्स दैट आर ऑथर्ड और को ऑथर्ड बाई हिम और हर इन ऑर्डर टू कलेक्ट सिग्नेचर्स ऑफ ऑल टेन ऑथर्स अगर हर दस ऑथर्स का सिग्नेचर आपको कलेक्ट करना है इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट नीड टू बी परचेस्ड इज अगर आप किसी ऑथर का बुक खरीदते हो वो ऑथर तब भी आपको साइन करेगा अगर वो उसका खुद का लिखा हुआ बुक है तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे दस दस ही ऑथर का सिग्नेचर चाहिए तो मिनिमम कितना बुक खरीदने से खर्चा मिनिमम कितने खर्चों में आप सारे सिग्नेचर्स कलेक्ट कर सकते हो दिमाग लगाओ और बताओ अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल काउंटिंग क्वेश्चन अगेन इट्स अ पार्जल आई बिलीव यू कैन सॉल्व इट मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर करिए tell me my friend what should be the answer of it अभी तक कोई जवाब नहीं आए है लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर प्रीति शर्मा सेइंग बी दैट इज़ सिक्स बुक्स खरीदना है सर इसको करने के लिए सर एट आई कैन बी रॉन्ग बट आई डिड डिट समोल्ड यू कैन नॉट बी आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स बहुत दिनों से मैं आपको बता चुका हूं बी कॉन्फिडेंट आपका थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट यूर सेल्फ यू आर ऑलवेज राइट सो माई फ्रेंड जल्दी से सोचिए जेनिफर ने ऑलरेडी सोच लिया और सही सोची तो सही सोची है जेनिफर ने तो आप लोग भी सोचिए सही तरीके से सोचिए सिमरन कह रही है बी एंड सी सिमरन क्या लगता है आपको एक साथ दोनों ही आंसर करेक्ट है देखिए ये बात है जो मैंने देखा जो सही होते हैं हमेशा सही होते हैं क्यों क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस सही है और जो गलत होता है मल्टीपल टाइम्स गलत होता है क्यों क्योंकि अभी तक थॉट प्रोसेस ठीक नहीं हुआ है तो प्लीज 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 डू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज इट्स अबाउट हाउ डू यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम ओके आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है इसके ऊपर सारी चीज निर्भर करता है मेरे दोस्त चलिए तो देखिए एट बुक साइनिंग सेशन पांचों ऑथर्स है जो खुद का बुक लिखते हैं तो आपको सारे दस ऑथर्स का जो है साइन चाहिए तो ऑब्वियसली जो सिंगल ऑथर्ड बुक है वो बुक आपको खरीदना ही है इससे क्या पता चलता है अगर बुक लिखोगे तो खुद लिखा करो ठीक है सिंपल बात है अगर बुक लिखना ही है आपको खुद बुक लिखा करिए तो देखिए आपको यहाँ पे बुक वन बुक टू करके आप कितना बुक खरीद सकते हो अब बुक वन बुक टू बुक थ्री बुक फोर करके एंड बुक फाइव करके अगर आप देखोगे तो आपको पांच बुक खरीदना मिनिमम है जो पांच ही बुक सिग्नेचर आपको चाहिए तो बुक्स का जो भी है ऑथर का सिग्नेचर आपको चाहिए तो, बुक तो पांच बुक्स तो आपको मिनिमम खरीदना है अभी देखिए बाकी जो पांच ऑथर्स है वो क्वाथर्ड बुक्स लिखते हैं यानी एक बुक खरीदोगे तो दो ऑथर्स का सिग्नेचर आपको मिल जाएगा अब बाकी पांच ऑथर्स है पांच को हम ऐसे ऐसे लिख लेते हैं टू प्लस टू प्लस वन अब देखिए पांचों ऑथर्स में से कोई दो ऑथर्स को चुन लीजिए जो जिन लोगों ने एक बुक को लिखा उन दो ऑथर्स का एक बुक आप खरीद लो तो बुक नंबर सिक्स आपने खरीद लिया बाकी दो ऑथर्स जो है पांच ऑथर्स में से बाकी दो ऑथर्स जो है उन लोगों ने मिलकर कोई बुक लिखा ऐसा ढूंढिए और उसको खरीद लीजिए यानी बुक सेवन आपने खरीद लिया यानी कि अभी के अभी के आपके पास नाइन का सिग्नेचर है और कोई एक बुक खरीदना ही पड़ेगा आपको जिसमें ये वाला ऑथर है लेकिन ये वाला ऑथर किसी और के साथ बुक लिखेगा तो जो बुक भी आप खरीदने वाले हो जिसमें ये ऑथर है उसमें एक्चुअली और एक सिग्नेचर भी आपको मिल जाएगा बट आपके पास कोई भी और चारा नहीं है आपके पास यही ऑप्शन बाकी है कि आपको और एक बुक खरीदना ही पड़ेगा टू गेट द सिग्नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर सो आपको मिनिमम पांच और तीन आठ बुक खरीदना पड़ेगा टू गेट द सिग्नेचर ऑफ ऑल ऑथर्स जेनिफर आपने ऐसा ही सोचा होगा इसीलिए मैंने कहा सेल्फ बिलीफ रखिए आपका थॉट बिल्कुल सही है सो आई होप यू गॉट द आंसर एट इज द करेक्ट आंसर एंड मेनी ऑफ यू आर करेक्ट तो सी ही होगा वेरी वेरी गुड यस सर एग्जैक्टली सेम सो कन्फिडेंस क्यों नहीं आता है जेनिफर आप इतना सोच लेते हो मैंने देखा यह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं आप लोग इतना क्वालिटी है आपके पास आप इतना काबिल हो इतना टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो क्यों कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेस वर्ल्ड ठीक है कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड तो अगर आपके पास इतना काबिलियत है सेल्फ बिलीव रखिए ना इतना बेहतरीन सोच लेते हो हम कह रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए एशा जी, एशा जी देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको आपको सिग्नेचर सारे ऑथर्स के चाहिए ऑथर्स कितने हैं दस ऑथर्स है पांच ऑथर्स जो है सिंगल ऑथर्ड है सर फॉर फिर हुए मिस्टेक्स हैपन देन वी फील वी आर ऑलवेज रॉन्ग जेनी थिंक एक बात सुन लो जिनि आप कितना भी क्वालिटी आपके पास हो जाए जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाओ मिस्टेक्स एक कॉमन प्रोसेस है वाई यू कैनॉट वाई वी कैनॉट एक्सपेक्ट वाई यू कैनॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक्स दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो मिस्टेक्स नहीं करते हैं आप कोई भी आदमी को चुन लीजिए द ग्रेटेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स नोबडी इज देयर हु इज नॉट गोइंग टू डू अ मिस्टेक्स सो एक्सेप्ट मिस्टेक्स ना आप जितना भी बेहतरीन बन जाओ आपको मिस्टेक्स करना ही है और जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर देखोगे वो भी इसी आइडिया के ऊपर बने हुए हैं तो मिस्टेक्स से सीखना है मिस्टेक्स तो करोगे ही करोगे तो प्लीज और प्लीज ये बात समझ लीजिए आप जितना ट्राई करोगे उतना मिस्टेक्स करोगे अगर कोई दस ट्राई करता है तो वो मैक्सिमम दस मिस्टेक कर सकता है जो सौ ट्राई करेगा वो सौ मिस्टेक्स कर सकता है ठीक है तो मिस्टेक्स जितना ट्राई करोगे तो उतना ज्यादा होगा इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस दिस प्लीज प्लीज और इन योर माइंड के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ऐसा दस ऑथर है दस ऑथर के बीच पांच ऑथर सिंगल ऑथर्ड बुक लिख लेते हैं सिंगल ऑथर्ड बुक्स अगर आप लिख रहे हो तो वो पांच बुक आपको खरीदना ही है क्योंकि वो पांच ऑथर्स का सिग्नेचर आपको चाहिए आपको इनफैक्ट दस ऑथर्स का सिग्नेचर चाहिए बाकी पांच ऑथर्स जो है वो को ऑथर्ड बुक्स लिखते हैं बुक्स मतलब एक बुक का दो राइटर्स अब आपने क्या किया बाकी पांच दो ऑथर तो का सिग्नेचर है तो वो बुक से आपको बाकी दो ऑथर का भी मिल गया अब एक ऑथर का बाकी है उसने जो बुक लिखा ऐसा एक बुक खरीद लीजिए वो अलग बात है कोई एक ऑथर का दो बार सिग्नेचर आपको मिल जाएगा तो टोटल एट टू बाई

So, वो लोग बार बार चांसेस लेते हैं रिस्क लेते हैं उन लोगों का भी अगर सात फेलियर्स हो रहा है आपको बहुत बिग बिग फेलियर्स का नाम आपको पता है सेवन थिंग्स अगर फेल हो रहा है तो आप और मेरा तो होगा ही होगा ना ऑब्बियस बात है आ, शायद ईज़र बता रहा है, अगर साइंटिस्ट से मिस्टेक नहीं होती तो और अच्छे से नहीं सोचते और जो आज हमारे पास है वो हमारे पास नहीं होते बिल्कुल अच्छी बात कहा आपने साइंस भी ऐसे ही आते हैं आपको बताया एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं मिस्टिक के माध्यम से ही हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन को चेंज करते हैं एंड देन यू अगेन परफॉर्म अ न्यू एक्सपेरिमेंट देन यू अगेन गॉट समथिंग रॉन्ग अगेन यू ऑब्जर्व इट एंड चेंज योर एक्सपेरिमेंट सो दैट्स हाउ द रिसर्च बिगिंस मोली बता रहे हैं सॉरी सर रिलेटिव आ गया था इसीलिए जाना पड़ा रही बहुत अच्छी बात है आप तो लकी हो क्या बात है माहौल बन चुका है मुझे लग रहा है घर में आज तो बहुत ही अच्छी बात है एंजॉय द मोमेंट ओके सो अभी बताइए इस सवाल का जवाब बताइए क्या मोली तो स्वीट्स वगैरह तो आया ही होगा अगर रिलेटिव आए हैं तो स्वीट्स वगैरह तो आया ही होगा मोली अभी यहाँ पे देखिए ये सवाल भी बेहतरीन तरीके से आप करिए अगर इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं देखिए बाबू है देवशना है बल्ला है कटप्पा है दिस इज द बाहुबली क्वेश्चन वॉज आस्ट बाई सी एस आई नेट इन ट्वेंटी एटीन तो इस सवाल का जवाब बताइए ठीक है मैं इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं आ, होम में जाते हैं बढ़िया है ठीक है।, है ना क्या हो गया अरे आ तो जाइए उल्टा हो गया करिए वॉट शुड बी द दट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फोर फ्रेंड्स वे शेयरिंग अ पिज्जा

तो ये पिज्जा किसको मिलेगा क्या बाबू को मिलेगा या देवशिना या वल्ला को मिलेगा या कटप्पा को मिलेगा वॉट यू थिंक हु इज गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा सर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग यस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फूडी क्वेश्चन मंजू गणेश गणेशन थ्री भल्ला इतना जल्दी आपने डिसाइड कर लिया क्या बात है जेनिफर वेरी गुड मंजू वेरी गुड शुलग्ना वेरी गुड आकांक्षा वेरी गुड शायद इजहार यानी सिमरन वेरी गुड सी क्या किया आप लोगों ने देख लेता है मैं भी ट्राई कर लेता हूं आपके तरह क्या करना है अच्छा तो ओल्डेस्ट फ्रेंड को एक, एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा मिलेगा ठीक है बाबू इज टू ओल्डर देन कटाप्पा तो बाबू जो है कटप्पा से बड़ा है कितना दो महीने का ठीक है बहुत अच्छी बात है थ्री मंथ यंगर देन भल्ला बाबू इज टू मंथ्स ओल्डर देन कटप्पा हु इज टर्न इज थ्री मंथ यंगर देन बल्ला तो बाबू जो है कटप्पा जो है तीन मंथ्स यंगर है बल्ला से तो भल्ला जो है ऑब्वियसली बाबू से भी बड़ा होने वाले हैं क्योंकि भल्ला और कटप्पा के बीच में तीन महीने का गैप है राइट भल्ला और कटप्पा के बीच में तीन महीने का गैप है अब देखते हैं देवसेना देवसेना इज वन मंथ ओल्डर देन कटप्पा वन मंथ देवसेना अगर कटप्पा से ओल्डर है तो देवसेना जी यहाँ पे रहने वाली है बी और के के बीच में तो देवसेना बी और के के बीच में रहेगा इसमें कोई दुविधा नहीं है क्योंकि तो देवसेना बस और बस एक महीने का बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है भल्ला अब देख सकते हो वल्ला इज गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा बहुत सारे अरे क्या बात है ये तो बहुत ही अच्छी बात है सिमरन जी ये सर हमें बिना बिना पेन नोट्स के किए किए सॉल्व क्या बात है सिमरन आपका परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूं बेहद अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर रही हो ठीक है चलिए ये भी आपको मिल गया भल्ला को एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा मिल ही गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के देखते हैं सवाल क्या है अब अल्फा पूरा एक इंडियन क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा जो है ब्रिटेन वाला एक सवाल में चलते हैं ठीक है ना थोड़ा साइंटिफिक सवाल है लोगों का नाम देखिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ठीक है ना आप देख सकते हो थोड़ा बहुत जो यूरोपियन क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं वो ऑफ फोर एजेंट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ओके रिमाइंड में ऑफ जेम्स बॉन्ड जीरो जीरो सेवन तो आप देख सकते हो चारों एजेंट है अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा दीज आर द कोड नेम्स ओके बताया गया है थ्री हैव टू बी सेंड टुगेदर ऑन ए मिशन इफ अल्फा एंड बीटा कैन नॉट गो टुगेदर अल्फा और बीटा को एक साथ नहीं भेज सकते हो आप गामा और डेल्टा को एक साथ नहीं भेज सकते हो आप देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स एनी थ्री एजेंट्स कैन बी सेंड अल्फा डेल्टा एंड एनी वन आउट ऑफ द बीटा एंड गामा कैन बी सेंड बीटा एंड गामा एंड एनी आउट ऑफ अल्फा एंड डेल्टा कैन बी सेंड द मिशन इज इम्पॉसिबल Mission impossible, किसका सबसे पसंदीदा सिनेमा है मूवी है is there anybody who is a mission impossible fan? पता तो है ना आपको एम के बारे में मिशन इम्पॉसिबल के बारे में पता तो है ना टॉम क्रूज जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त जल्दी से मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा इतना जल्दी कैसे बता लेते हो आप लोग मैं तो मतलब खुद सरप्राइज्ड हो जाता हूँ आकांक्षा ने कह दिया ऑप्शन डी जेनिफर टेलिस ने कह दिया ऑप्शन डी सिमरन ने कह दिया डी फॉर श्योर एजीएस कह दिया डी शुलग्ना सरकार डी डी एशा रॉय चौधरी डी ब्रिलियंट एशा क्या बात है मुझे तो लग रहा है मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा अभी मैं आऊंगा आप लोग पढ़ाओगे मैं आऊंगा सवाल देने वाला हूं आप ही आंसर बताओगे आप ही लॉजिक बताओगे बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो आप बस रेगुलरिटी रहना चाहिए हर दिन आइए मैं आपके लिए सवाल मेहनत करके उठा के लेकर आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दूंगा और खूबियां तो आप में वैसे भी है ठीक है तो बहुत बढ़िया सिमरन जी कह रहे हैं जब कोई एक दूसरे के साथ जाएगा ही नहीं तो मिशन ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही होगा इसीलिए एक दूसरे के साथ जाना चाहिए समझ में आ रहा है आपको हमेशा झगड़ा से नहीं काम चलेगा चलो यहाँ पे काम देख लेते हैं तो बताया गया है अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा है तीनों को भेजना है आप अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ठीक है ना ऐसा अगर आप ले लेते हो ये तो सिग्मा ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा डेल्टा कैसे होता है बताया आपको दीज आर द ग्रीक आई थिंक राइट ग्रीक अल्फाबेट्स तो यहाँ पे देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि आप अल्फा और बीटा कैनॉट गो टूगेदर तो अल्फा और बीटा एक साथ नहीं जाएगा जी तो आल्फा और बीटा एक साथ नहीं जाएगा तो अगर मानो आल्फा को आप लेते हो मिनिमम तीन लोग को सेंड करना ही आपको आपको पता है कि द फोर यू हैव टू सेंड थ्री पीपल तो अगर आल्फा को लेते हो तो बीटा नहीं ले सकते हो तो गामा और डेल्टा को लेना ही पड़ेगा लेकिन ये दोनों भी एक साथ नहीं जाएगा तो आप किसको लोगे आपके पास कोई भी चारा कोई भी ऑप्शन नहीं है दिस मिशन दिस मिशन इज इम्पॉसिबल दिस मिशन इज इम्पॉसिबल माई फ्रेंड So, हमेशा याद रखिएगा कि मिशन इंपॉसिबल इसीलिए हो गया था क्योंकि अल्फा ना तो बीटा के साथ जाने के लिए तैयार था और गामा डेल्टा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था इसीलिए कभी कभार जाना चाहिए एक साथ और दूसरी बात यह है कि मिशन इंपॉसिबल जरूर देखिएगा मेरे दोस्त एम का बहुत सारे सीरीज है यू मस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग इसका जो एक्टर है टॉम क्रूज इज अ वेरी फियरलेस पर्सन आपको पता है ना दुबई में Uh, बुर्ज खलीफा जो है बुर्ज खलीफा के ऊपर एकदम टॉप में जो एम आई का आई फॉरगेट द एक्चुअल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी दैट एम आई का कौन सी मूवी में ये सीन था बट ही सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बुर्ज खलीफा टॉप टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा विदाउट एनी रोप विदाउट एनी थिंग अगर आप वहां पे फेंट हो जाते हो तो क्या होता उसने कहा वहां पे हेलीकॉप्टर था नीचे अगर वो लोग पकड़ लेते तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाते इतना फेयरलेस है उनका खुद का स्टैंड वो खुद ही करते हैं सो so, बहुत अच्छे ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन के बाद तो बस आपके लिए थैंक यू है हमारे आठ सवाल आज के लिए खत्म हो गया है और आई एम बेहद खुश हूं मैं आज सैटरडे है शिव पूजा के दिन है बहुत ही अच्छे दिन है और आप लोगों का परफॉर्मेंस और बेहतर बन चुके हैं इस खुशी में खत्म करते हैं इस सीरीज को इस वीक के लिए नेक्स्ट वीक मंडे से आएंगे लेट मी गिव यू आर रिपोर्ट कर दैट यू पीपल हैुलर सीरीज मंडे से आप लोगों के साथ मुलाकात शुरू हुआ था और छः दिनों के बाद मुझे बहुत खुश हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि छः घंटे देने के बाद आपके अंदर जो सोचने का चेंज आया है आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट तो अगर हम हर वीक को इसको दोहराते हैं तो मैं आपको प्रोमिस कर सकता हूँ एग्जाम के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा तैयार हो जाओगे क्योंकि सोचने का काबिलियत आपके पास आ जाएगा थैंक यू एवरी तो बस ट्राई करिए कंसिस्टेंट रहने की सुबह ग्यारह बजे सेशन होगा मंडे से फिर से मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरा सुबह आठ बजे से बैच लाइव रहेगा उसके बाद आपके लिए ही सिर्फ ग्यारह बजे मैं सुबह आऊंगा और ये सेशन को कंटिन्यू करूंगा तो जरूर आइएगा सेशन में आप बताइए क्या करने वाले हो आज यस मिष्टी थैंक यू सो मच एवरीवन मंजू गणेश मिष्टी कह रहे सर वो जो ट्रैक वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी सॉल्व करवा दीजिएगा अरे सब सॉल्व करवा दीजिए सॉल्व सॉल्व करवा देंगे हम लोग क्योंकि हाँ, हर हर दिन आठ दस क्वेश्चन करता है सोचिए ना सारे क्वेश्चन आएंगे वो आज भी लेकर आ रहा था मैं लेकिन मैंने सोचा एक टाइप का सवाल करवाता हूँ फिर मंडे से मैं जरूर वो वाला सवाल लेकर आऊंगा मिस्ट्री ठीक है ना शुलोकनाथ थैंक यू सर यू आर मोस्ट वेलकम शुलोकनाथ मोरली मुखर्जी थैंक यू सो मच सिमरन थैंक यू सो मच जेनिफर थैंक यू सो मच एजीएस एसएमएस जी आपका नाम तो बताइए सर आज का आज का क्वेश्चन सबसे बेस्ट था हर दिन बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे आकांक्षा राठी सर ओनली स्टडी वेरी गुड आई रेस्पेक्ट आकांक्षा आपने जैसे मेहनत कर रहे हो आप जितना डेडिकेटेड हो मैं कहना चाहता हूं यू शुड लर्न फ्रॉम आकांक्षा आकांक्षा इज अ वेरी वेरी फोकस्ड स्टूडेंट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट एंड इफ समबडी इज डूइंग दैट मच सो शी डिजर्व रेस्पेक्ट शी डिजर्व दक्सेस ओके सक्सेस वैसे ही नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है आकांक्षा आप करते जाइए और बेहतरीन होगा मिश्टी थैंक्स अलॉट ऐशा रॉय चौधरी थैंक यू सो मच सर फॉर द गुड थैंक यू सो मच एशा रहिए तो तो ऐशा हो सकता है आपने आज आया या आप कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हो इसीलिए कभी कभार क्या है ना कम्युनिकेशन गैप होता है तो थैंक यू थैंक यू इलेवन एम थैंक यू सो मच एवरीवान चलिए मिलते हैं मंडे को सुबह ग्यारह बजे गुड बाय टेक केयर हैव है ग्रेट डे टूडे गुड बाय